गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एनिमल्स के बारे में, ठीक है। इसका पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट हो चुका था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट थ्री, पेज नंबर 67। पार्ट थ्री में आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। उस दिन हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स है वो किस तरह से ग्रुप्स में रहते हैं और किस टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। नाउ टुडे वी विल रीड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। जो जानवर होते हैं उनके व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। जानवरों का भी अपना अपना एक क्या होता है, व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है। फर्स्ट है फ्रेंडली एंड शाय एनिमल्स, ठीक है। फ्रेंडली मतलब जो बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, एंड शाय मतलब जो बहुत ही शर्मीले होते हैं, मतलब वो लोगों से दूर भागते हैं। तो दो तरह के जानवर होते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी फ्रेंडली वाइल अदर्स आर शाय, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, जो बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, और उसी में से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही शर्मीले होते हैं। शाय मतलब शर्म आना। फ्रेंडली एनिमल्स इमीडिएटली कम फॉरवर्ड टू ईट द फूड यू गिव दैम, ठीक है। जो फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी से हमारे पास आ जाते हैं अगर हम उनको कुछ खाने के लिए देते हैं। एनिमल्स सच एज कैट्स, डॉग्स एंड काउज आर फ्रेंडली बाई नेचर, ठीक है। जैसे कि बिल्ली, कुत्ता और जो गाय है वह नेचर में कैसे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। सम फॉर्म एनिमल्स सच एज गॉड्स हैंड्स एंड डक्स आर ऑल्सो फ्रेंडली, ठीक है। कुछ फॉर्म एनिमल्स होते हैं जो खेतों में रहने वाले होते हैं, या फिर जो जंगलों की तरफ ऐसी जगहों पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बकरियाँ हैं, मुर्गियाँ हैं, जो डक्स है वो भी क्या होती है, बहुत फ्रेंडली होती है, वो जल्दी से हमारे पास आ जाती है। एनिमल्स सच एस रैबिट्स एंड स्क्वीरल्स रन अवे व्हेन यू गो नियर देम, ठीक है। कुछ जानवर जैसे कि खरगोश है, गिलहरी है, अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो क्या होते हैं, हमसे दूर भाग जाते हैं। दे आर शाय एनिमल्स, ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है, शर्मीले जानवर, शाय एनिमल्स। दे डू नॉट कम नियर टू द फूड गिवन टू दैम इफ़ यू आर अराउंड, ठीक है। अगर आप उनके आसपास होते हैं और उनको खाने के लिए देते हैं तो वो आपके पास नहीं आते हैं, वो आपसे दूर भागते हैं। वाइल्ड एनिमल्स सच एस लायंस एंड टाइगर्स लिव इन द जंगल, जंगली जानवर जैसे कि शेर हैं, चीता हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। दे डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये कभी भी जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान हैं, उनके कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। ये उनको देख कर क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और अगर इनको शिकार भी करना है तो वो छुप कर ही करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स राइडिंग ऑन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। राइडिंग मतलब होता है सवारी करना। जो जानवर होते हैं वो अलग अलग जानवरों के ऊपर क्या करते हैं, सवारी करते हैं। एनिमल बेबीज प्ले विथ ईच अदर एंड शेयर अ फ्रेंडली रिलेशन, जो जानवरों के बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, और फ्रेंडली रिलेशन मतलब दोस्ती का जो संबंध है वो एक दूसरे से बनाते हैं। जैसे कि पप्स एंड किटन्स प्ले एंड फाइट विथ ईच अदर, ठीक है। पप्स मतलब जो डॉगी के बच्चे होते हैं, एंड किटन मतलब जो केट के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ खेलते भी हैं और एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 68। उसी सेंटेंस को यहाँ पर कंटिन्यू किया है कि वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं और लड़ाई करते हैं लविंगली, मतलब बहुत ही प्यार से। सम एनिमल्स राइड ऑन द बैक ऑफ अदर एनिमल्स एंड इन टर्न प्रोवाइड्स दैम सम बेनिफिट्स, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों की पीठ पर बैठकर सवारी करते हैं और उनका कुछ बेनिफिट होता है, उनका कुछ फ़ायदा होता है, उनको वह फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड कॉल्ड कैटल एग्रेट सिट्स ऑन द बैक ऑफ अ काउ, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं, जैसे पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो काऊ होती है, गाय होती है, उसकी पीठ पर बैठते हैं और उसके अंदर जो कैटल एग्रेट मींस होता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसके ऊपर जो बैठे होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो पकड़ते हैं और उनको खाते हैं। दीज बर्ड ईट्स दैम इंसेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द काऊ, ठीक है। ये जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, जो गाय होती है या फिर जो भी जानवर की ऊपर वो बैठते हैं, तो उनके ऊपर से जो इंसेक्ट होते हैं उनको पकड़ते हैं और उनको मारते हैं और उनको खाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, काऊ के ऊपर ये
बगुला बैठा है, तो ये क्या करता है कि उसकी चोंच से ये गाय के ऊपर जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको पकड़ता है और उनको मारकर खा जाता है। तो इस तरह से गाय के शरीर की भी क्या होती है, साफ सफाई होती है। रिमोरा अ स्मॉल फिश अटैक्स इटसेल्फ टू अ शार्क्स बॉडी एंड अदर मरीन एनिमल्स। ठीक है, रिमोरा एक फिश का नाम है, और जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है वो क्या करती है, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनकी बॉडी पर बैठती है, और दूसरे भी जितने समुद्री जानवर हैं उनके ऊपर बैठते हैं, और उनके ऊपर जो छोटे 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 एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको पकड़ते हैं। इट ईट्स द पार्टिकल्स फ्रॉम दी शार्क्स बॉडी, और जो शार्क्स बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके ऊपर कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जानवर होते हैं छोटे छोटे, उनको पकड़कर वो क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से जो सवारी करने वाले जानवर होते हैं वो भी एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपकी चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। यहाँ आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है जो आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर दी फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट है फ्रेंडली एनिमल्स। यहाँ पर आप टू फ्रेंडली एनिमल्स के नेम लिखेंगी, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसी में से आपको लिखना है। सेकेंड है शाय एनिमल्स, शाय एनिमल्स के नेम लिखेंगे। एनिमल्स दैट सीट ऑन द बैक ऑफ द अदर एनिमल्स, और ऐसे जानवरों के नाम लिखेंगे जो दूसरे एनिमल्स की सवारी करते हैं, उनकी बैक पर मतलब उनकी पीठ पर बैठते हैं और घूमते हैं। यहाँ पर आपको इनके सिर्फ नेम लिखना है और स्पेलिंग्स को लर्न करना है। तो यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से रीड करके रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।